अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ पंजाबी स्टाइल राजमा की, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी है एक कढ़ाई, उसमें डालना है ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलेगा क्योंकि हमने इसमें तलना है सिर्फ प्याज को। प्याज को हमें ब्राउन होने तक तलना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइक जो हल्की लाल ब्राउन टाइप में जो होती है, इस वीडियो में आप देख सकते हो, इतना ही करना है। इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, बस इतना ही इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसको छान लेंगे, जो भी इसका एक्सेस ऑयल है उसको निकाल लेंगे अच्छे से। फिर इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर इसको कर लेंगे हम ग्राइंड। उसके बाद हमने इसका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये है कि हमें फिर से, आप चाहे तो सेम ऑयल फिर से यूज़ कर सकते हैं या फिर बचा हुआ जो उसका ऑयल था वो यूज़ कर सकती हैं। दूसरा ऑयल लेकर दूसरी कढ़ाई में लेने के बाद उसमें डालिए ज़ीरा, तेज़पत्ता, जो बड़ी इलायची होती है उसको थोड़ा सा कूट कर डालिएगा, और फिर उसमें डालिए थोड़ी हरी मिर्ची, दालचीनी, ये सबको डालकर थोड़ा सा उनको तलना है। उसके बाद उसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको अच्छे से भूनना है। राजमा में आप जितनी भुनाई करोगे ना उतना ही आपका जो है राजमा टेस्टी बनेगा, ये गारंटीड है। जितना आप जितना भुनाई करोगे, होता है ना, धोते जाओ, इस तरह से भूनते जाओ बस। तो राजमा जब हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को भूनने के बाद हमने जो उसमें जो ग्राइंड किया हुआ अनियन पेस्ट था वो डाला, उसके बाद उसको थोड़ा सा 2 मिनट भूनने के बाद फिर हमने डाला है उसमें टमेटो प्यूरी। फिर उसके बाद हमने उसमें डाले हैं सारे सूखे मसाले, लाइक रेड चिली, टर्मरिक, और जो भी कोरिएंडर और गरम मसाला, सॉल्ट वगैरह सब डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है। अगेन इसको जितना भूनेंगे ना ये उतना अच्छा बनेगा। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भून सकते हो, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ मत डालिएगा, जितना हो थोड़ा थोड़ा भूनिए, इसको ढक दीजिए, फिर इसको खोलिए, इसे भूनिए। जितना आप भूनेंगे ना ये उतना ही बस अच्छा बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको कंटिन्यू हमें भुनाई करते रहना है। मैंने इसको तकरीबन 15-20 मिनट तक इसकी भुनाई की है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया अपना बॉइल्ड राजमा। राजमा बॉईल करते वक्त मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, ये सिंपली बॉइल्ड राजमा है, सिर्फ पानी के साथ इसको बॉईल किया था। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको पतला है गाढ़ा रखना उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल सकते हैं और उसको गाढ़ा कर सकते हैं। और फिर इसको तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट अच्छे से इसको मंदी आंच पे पकाना है। बीच में आपको इसमें थोड़ा सा जो है कसूरी मेथी डालनी है, उसके बाद फिर से इसको पकाना है। मतलब 20 से 25 मिनट इसका कुकिंग टाइम है आपको, जब मसाले भूनने के बाद इसका। प्लेटिंग के लिए मैंने ये एक इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी जिसमें कोई इस तरह से प्लेटिंग कर रहा था, तो वो तो बहुत खूबसूरत उन्होंने की थी। बस ये मैंने ट्राई किया था उसको उसी तरह से प्लेट करने का। तो मैंने इसमें जब सबसे पहले इसमें ना घी डाल लगा लिया था आसपास, ताकि चावल इसमें कटोरी में चिपके ना। उसके बाद इसको चिपकाने के बाद इस तरह से इसको प्लेटिंग की है। होप आपको अच्छी लगेगी, मैंने बहुत कोशिश की थी इसको बनाने में, लेकिन फिर भी ठीक बनी थी, मतलब प्लेटिंग अच्छी हुई थी। राजमा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही बना था। तो यही तक आज मेरा वीडियो यहीं तक था। तो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे बताइएगा और कमेंट में बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।